तो मारा कैसे मेरे को? अभी तेरे को मैं हवा में ले आता हूँ बजरंग दल, आज वैलेंटाइन है, तेरा वैलेंटाइन बनाता हूँ, इतना तेरी भैंस के मारा कैसे तूने? तेरे को छोड़ूंगा नहीं, इतनी सोच रहा कि इतनी कम एचपी है, चल खा मुँह पे घुसंडी खा दो। और कौन फालतू बोल रहा है? अच्छा ये फालतू बोल रहा है, इधर आजा मेरे पे कूद, मेरे पे कूद, तेरे को मैं बताता हूँ। ओहो ओहो ओहो, इधर तेरी मारेगा 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 तेरी, फालतू बोलेगा। सो हे पोकेमॉन्स, कैसे आप लोग? स्वागत है तुम्हारे इधर एपिसोड पोकेमॉन यूनाइट। कैसे आप लोग? गार्चोम की डिमांड थी, इवन एक स्लोबर और टेलिंग फ्लेम की डिमांड थी, तो गार्चोम से आपसे आपको खेल के दिखाने वाला, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे, जैसे बजरंग दल ठुकाई करता है तो वैसे गार्चोम भी दुश्मन की बहुत तगड़ी ठुकाई करता है, बहुत जबरदस्त। तो आज वैलेंटाइन के दिन हम इनकी ठुकाई करने वाले, एटलीस्ट दूसरी ठुकाई तो नहीं, मतलब आप समझ रहे हो मतलब क्या कह सकते हैं, दुश्मन की पिटाई, आप मतलब अश्लील है, मतलब क्या कौन सा था वो, मी अश्लील है ये लौंडा। तो गार्चोम बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त है, बहुत ओपी है, लेकिन वो मेटा में कभी नहीं आया और अभी तक मेटा में नहीं आएगा, क्योंकि उसका रीज़न है कि इसके बफ करने के बाद भी, इसको 9 लेवल पे गार्चोम बनने के बाद भी, इसके जो मूव्स है अच्छे हैं, पर सामने वाले जो पोकेमॉन है, कुछ ऐसे पोकेमॉन आ चुके जिनकी लास्ट हिटिंग बहुत ज़्यादा जबरदस्त है, स्टीलिंग पावर और डैमेज बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आप एक ऑलराउंडर हो और आपका काम है इनिशिएट करना, और आपको हमेशा हमेशा अपने अटैकर को बचाना चाहिए, तो ये दिमाग में बैठा लो। पर अभी गिबल है तो छोटा है, तो आपको एक मिनट गैस इसको, इसकी शील्ड टूट चुकी है और यहाँ पे गैस इसको ले ले चुका, चारों नीचे घूम रहे हैं भाई, क्यों पिटन जाते हैं, देखो गैस एक साथ कितनी जल्दी मर रहे हैं। और मैं एक आपको चीज़ बता देता हूँ, और बच गया, एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इसमें मसलमेंट जरूर यूज़ करना, रैपिड फायर स्कार्फ भी यूज़ कर सकते हो, रैपिड फायर स्कार्फ आपको और ज़्यादा अटैक स्पीड देगा और मसलमेंट की जो ओपी है ही। एक मिनट गैस इस पर फटाक से लो, एक मिनट ये भी ले गया, मेरे को दो मिल चुके हैं और ओके वो नहीं मिला, इधर ये मरेगा, ओके फोकस वैट इसका प्रॉक हो चुका है, आप देख सकते हैं सामने उर्चिवो इज़ बेटर देन गार्चोम, क्योंकि उसका अभी सर्जिंग स्ट्राइक बफ हुआ और बहुत ज़्यादा ओपी हो चुका है वो, यहाँ तक कि उसको टूर्नामेंट में भी बैन करा जा रहा है, सच बता टूर्नामेंट में भी बैन करा जा रहा है कि इतना ज़्यादा खौफ हो चुका है सर्जिंग स्ट्राइक का, ठीक है। और यहाँ पे गैस आप देख सकते हो कि आ गया भाई, थैंक गॉड मैं ड्रैग ही करना, अरे कहाँ गया, ड्रैग करना था, तो ड्रैगन रश पोजीशन के लिए, भागने के लिए, पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा सही है, ठीक है। पर अरे आ जाए यार वापस, मतलब वहाँ जाके फालतू में मरूंगा, उनको किल देनी है, मेरे पास बफ है, उनको फ्री का बफ वापस मिल जाएगा। तो आपके साथ अगर कोई भी अटैकर खेल रहा हो, जो अटैकर खेलता है ना वो भी सुन ले, जब भी गार्चोम हो ना या मैचम हो, प्लीज़ उनके सर पे मत बैठे रहो, मतलब आप ये सोच रहे हो कि गार्चोम या मतलब जितने भी ऑलराउंडर आपको हर टाइम बचा लेंगे, नहीं, अगर आप आगे जाके मरने की कोशिश करोगे तो आप बच के आ जाओगे, बट मैच में आपकी वजह से, मतलब जो ऑलराउंडर आपकी वजह से मारा जाएगा, तो या तो खुद अपने आप को इतना वो आगे मत ले जाओ, या फिर रेंज से ही खेलो। सर्फ ग्रेनिंजा मैंने इतने देखे हैं कि रेंज की खेलने को जाए, पास जाके खेलना है। एक मिनट तरह तेरी फालतू बोलेगा, ओके भाई वो आ गया टेन फ्रेंड, भाई निकलो निकलो यहाँ से, और यहाँ से फटाक से मेरा फोकस बैंड ऑन हो चुका है। बाद में मसल बैंड खेल रहा हूँ मैं, फोकस बैंड खेल रहा हूँ मैं, और वीकनेस पॉलिसी खेल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब गाइस कोशिश करेंगे 30 गोला अगर डलते हैं तो कि मेरे लेवल के पास आ जाएगा, और भाई मेरे पास मत आइए। तो ड्रैगन रश से आप पोजीशन कर सकते हो, ठीक है। प्लीज़ अपने हेल्थ बार के नीचे जो बार आ रहा है ना, वो जितने होते हैं मैक्सिमम होने चाहिए। अगर सामने गार्चोम है और उसके पंजे चमक रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पंजे, वो देखो गैस चमक रहे हैं, वो देखो लाल लाल से और ऐसे हल्के से, अगर गार्चोम के पंजे चमक रहे हैं एनिमी गार्चोम के, तो उससे पंजे मत लेना, ठीक है, उससे रेंज से लेना, ठीक है। क्योंकि जब तक उसके वो चमक रहे हैं, यानी कि उसकी अटैक स्पीड बहुत ज़्यादा है और लाइफ स्टील करेगा, वो हील करेगा अपना को बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत बुरी तरह मारेगा। अगर उसके ऊपर वीकनेस पॉलिसी है, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, फिर तो समझ लो पतरी गली पकड़ के निकल जाओ, नहीं तो वहीं गाड़ देगा वो। और एक और कॉम्बो है ड्रैगन रश के साथ, आप अर्थक्वेक खेल सकते हो, और वो कॉम्बो मेरे को स्ट्रिक्स बाइक के साथ एक बार मैंने खेला था, तो वो चला रहे थे तब देखा था मैंने, वो वीडियो भी बनाया, उस वीडियो में मतलब उसमें क्या करते हैं, एक मिनट यार ये पंजे से पीछे बच गया, इधर आ तेरी लगी लगी लगी, तो उसमें क्या है गैस, आप इजेक्ट बटन मारो, इजेक्ट बटन मार के एक मिनट गैस इसको हवा में उठाने की कोशिश करूँगा मैं, आ गया। और क्या कॉम्बो बनाए रेंज के साथ, गार्चोम और मैचम का कॉम्बो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, मतलब कोई भी मिली और रेंज काफ़ी अच्छा होता है। तो उसमें क्या है कि आप अर्थक्वेक मतलब वो ड्रैगन रश से किसी को घसीट के लाओ इजेक्ट मार के, और फिर उसके बाद अर्थक्वेक मार दो, सारे स्लो डैमेज ओवर टाइम वही तरह, ओह बच गया बच गया गैस बच गया, इसको बचाना पड़ेगा, टैलेंट में एक मिनट मारना पड़ेगी यूनिट, ओके बच ही गया उस, और ये भी बच गया। अब मैं भूल गया था कि मेरे पास बडी नहीं है, क्योंकि मेरे को आता है कि ऑलराउंडर बडी खेलेगी, क्योंकि मेरे को साथियों को बचाना होता है, उसका ये होता है इधर ते, ओए 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 कहाँ गया, जाने दूंगा। आप देख सकते हो कि गैस मेरा डैमेज कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा, उसी वजह से वो उसमें एक दो पंच पड़े और वहीं उसके एच पी चले गए। और जब टैलेंट फ्लेम और क्या कहते हैं डेस्टिट्यू पीछे आए, मेरी एच पी कम है तो गैस कोशिश करो, और हाँ आप पोजिशन से ले आके ना, एक मिनट अगर ये आता है तो मुझे पता चल जाएगा, इधर हवा में चल ये फालतू बोलेगा। अब थैंक गॉड चारों नीचे आए हैं, नहीं तो पहले तो तीन चार दिन इतना ज़्यादा हम प्रेशर करते। एक और आपको मैं बताना चाहूँगा,
गार्चोव मेटा में नहीं है, ठीक है, टैलेंट फ्लेमी मेटा में नहीं है, तो प्लीज़ ज़बरदस्ती के ये खेल के मत परेशान करो, आप खुद भी परेशान होगे और दूसरों को भी करोगे, ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ मत खेलो। अब अगर आप सोचते हो कि सामने वाले जो बाहर के प्लेयर्स हैं वो जैसे कि फिल यूमस है कि वो खेलता है गार्चोव, भाई वो ही इज़ अ रियली ग्रेट प्लेयर, ग्रेट गार्चोव प्लेयर, लेकिन 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 अगर आप सोचते हो कि आप भी अगर गार्चोव उसकी तरह चला लोगे तो आपकी गलतफहमी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। तो जो मेन गार्चोव है वो तो कर सकते हैं, बट प्लीज़ 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 देखो इसको हवा में जैसे मैंने फ्लाई नहीं चाहा गया भाई, अरे इसको बचाना पड़ेगा भाई, जेट मार के थैंक गॉड बचाया भाई, अब तो नहीं बचने वाला हूँ, चलो अपने 12 गोल डालते हैं, क्योंकि देखो मैच है तो को तो रोक लिया मैंने, उसको एक हिट मारनी थी, बट फ्लाई को रोकना के लिए मेरे को जब भी अगर मैं ड्रैगन रश और ड्रैगन क्लॉ एक साथ मारूं एक मिली सेकंड का वो चाहिए, वो कब नीचे आएगा वो उसका, यार इसका शील्ड है, इधर आ तेरी, बच गया भाई भाई भाई, उसने यूनाइट मार दी क्या, ओके उसने काफ़ी ज़्यादा कर दिया, लेकिन हम लेके जाएंगे, अरे बच गया, इजेक्ट होता तो मैं इजेक्ट मार के उसको हवा में उठा लेता, और उसने गैस जस्ट अभी अभी हमारे एक जंगल भी गया, और देखते हैं कहाँ गया जंगल, हाँ ऊपर गया, बुरा बुरा स्टील करेगा कहाँ जाएगा, एक मिनट गैस, अरे नीचे हमारा ब्लास्टर्स गया, टैलेंट फ्लेम रुक जा, तेरे पास गोल है ना, गोल है इसका गैस, इसका ये गोल कटर, बाय द वे ये नॉट अ प्रो गैस, वो है 1000 प्लस मैचेस हैं इसके, 1000 प्लस गैस, देखो अब ये देखो देखो वो बच गया, उसने वो मार दिया अपना क्या कहते हैं फ्लेम चार्ज करके कुछ मारा, आ जा आ जा, जा। अरे यही तो चीज़ करता, देखो फिर भी 20 को लगी है, मैं इसलिए वो उस समय ग्रेनेड को नहीं बचा पाता क्योंकि लगना उसका फ्लाई तो है ही, चाहे मैं हवा में उठा लूँ, उसने इतनी कम अच्छी में उस पर मार दिया, क्या कहते हैं यूनाइट मार दी बेचारा, खैर कोई नहीं चलता गैस, अब गैस रोटम आने वाला, तो रोटम की तरफ चलते हैं, तो आपको मैंने बता दिया आपके अटैक स्पीड हमेशा फुल मैक्स होनी चाहिए, यानी कि जो आपके बार्स हैं, दूसरी बात आपका ऑलराउंडर भाई, ये तो यूनाइट ओपन करके बैठा है, इधर आ तेरी, हाँ यूनाइट चलाएगा, चला यूनाइट भाई, पिछवाड़े में बीम पड़ गई उसके, ओके गैस यहाँ पर ओ उर्ची भी देखते हैं क्या यूज़ कर रहा, अच्छा लिक्विडेशन यूज़ कर रहा है, इधर चले तेरे को बताऊँ मैं, बनाए हवा में जाएगा तू, मतलब उसको बोलेगा कहाँ गया, कहेंगे आजा आजा आजा, अरे इजेक्ट नीचे चला गया, मुंह उधर था तभी वहाँ चला गया, नहीं तो उसको उठा लेता मैं, इजेक्ट को यानी कि हमें सीधा चलते हुए मारना है तब ठीक है, या फिर ऊपर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये तो बचने वाला नहीं है, खैर कोई नहीं ये तो ले लिया गैस, यूनाइट इसकी मैंने इसकी गाइड बना दी है उसके साथ, बहुत पहले डोडरियो की कैसे चलाती है, ओके यहाँ पर आ गया, बच गया, इसका गैस फॉलो करना पड़ेगा, प्लीज़ 2 मिनट वाला जो होता है ना, 2.5 से 3 मिनट के बीच वाला रह चलेगी वो, प्लीज़ लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है गैस, ओके नीचे है भाई ग्रेनिंजा, तेरे को दिखता नहीं क्या यार, बस पता है मैं उसको विजन दे जा रहा हूँ सबको मैं, लेकिन स्टिल वो घूम रहे हैं, मतलब देख ही नहीं रहे कि जंगल इन्वेड हो रहा है कि या नीचे गोल डालने आ रहा है, देख वो ये देखो डेसिडा कितना अच्छा है, तो उन्होंने मारा कैसे मेरे को, अभी तेरे को मैं हवा में ले आता हूँ बजरंग दल, आज वैलेंटाइन है तेरा वैलेंटाइन बनाता हूँ, इतना तेरी भैंस के मारा कैसे तूने, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, इतनी सोच रहा कि इतनी कम एचपी है, चल खा मुँह पे घुसंडी खा दो, और कौन फालतू बोल रहा है, अच्छा ये फालतू बोल रहा है, इधर आजा मेरे पे कूद तेरे को मैं बताता हूँ, ओहो 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 इधर आ तेरी मारेगा तेरी फालतू बोलेगा, गया गैस ये भी गया, इसे फाइट लेता है, इधर आ तेरी खा, और गैस अब तो उसे यूनाइट चला दी, यूनाइट उसकी वेस्ट हो चुकी है, मार दे, अरे यार गैस 8 किल्स और वो चलो मर गया वो भी, गैस अभी हमने 3 जने निकाल दिए, ठीक है काफ़ी अच्छी बात है, 3 जने इस 2 मिनट से पहले, और ये भी भाई इसको मारा, चौथा भी मर चुका है, मतलब अभी भी 3 है, एक आने वाला वापस, तो लिक्विडेशन मतलब उसकी उड़ चुकी है, यूनाइट चल चुकी है, मेरी यूनाइट बाकी है, डेसिडो की यूनाइट बाकी है, भाई ओ डेसिडो ओ हेलो भाई ये थ्रो करवाएगा गैस, ऐसे जो भी बंदा ये देख रहा है ना हर्ष 1305 भाई प्लीज़ अगर लीड हो तो फालतू का स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है भाई 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 सोलर बीम से स्टील गया, थैंक गॉड वीनस, और इसने तो हक दिया था, मैं सही बता रहा हूँ इसने तो हक दिया था डेसिडो ने, क्योंकि वो फ्लाई करके लास्ट हिट ले सकता था, अरे 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 इधर तेरी आ जा अब डैमेज देख रहे हो 1237 का क्रिट पड़ा है बेसिक अटैक का, क्यों पड़ा है वीकनेस पॉलिसी की वजह से, तो वीकनेस पॉलिसी गैस वीकनेस पॉलिसी मसल बैंड फोकस बैंड ट्रेन ग्राउंड आप यूज़ कर सकते हो रैपिड फायर स्कार्फ के साथ प्लस 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 गैस आपको एक चीज़ और बता देता हूँ आप और क्या यूज़ कर सकते हो बाय द वे हाँ मैं एम्बुलेंस यूज़ नहीं कर रहा उसमें एम्बुलेंस यूज़ नहीं भाई टूट गया इधर अब तो तुम्हें तो मारना पड़ेगा इधर 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 उसके क्लोन्स खत्म हो गए दोनों के दोनों हवा में आओ तुम्हारी रोकोगे तुम मेरे को रोक के दिखाओ उससे इधर रोक के दिखाओ ओके यूनाइट मारे इसने तू भी रोकेगा क्या आ जा हवा में आ जा दे 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 इसे प्रसाद दे 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 हाँ आ जा आ जा यार इसको पता ही नहीं है कि मेरे को मार ही नहीं सकते अगर जितना मेरे को मारेंगे उतना ज़्यादा मेरा अटैक बढ़ जाएगा वीकनेस पॉलिसी और क्या बात है सरेंडर कर दिया तो आपको गैस गार्चों के साथ खेल के दिखा दिया मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्लीज़ ज़बरदस्ती के गार्चों मत खेलो आप लोगों की डिमांड थी मैंने खेल के दिखा दिया मेटा में अभी नहीं है प्लीज़ प्रे करो कि टैलेंट फ्लेम और गार्चों मेटा में आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा
आप देख सकते हो कि 64,000 अपने अटैकर से 2,000 कम डैमेज है बस मेरा, देख सकते हो डैमेज टेकन भी मेरा, हीलिंग भी मेरी कितनी आता है। और विनस ने लास्ट हिट लिया था, काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ गया था। खैर आप देख रहे होगे कि अगर डैमेज नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने एटलीस्ट लास्ट हिट लिया और वो सब लिया। टैलेंट फ्लेम देख सकते हो गाइस, नॉट अ प्रो मैंने आपको बोला था, ये 1000 प्लस टैलेंट फ्लेम है, ब्लू बैच है और ज़बरदस्ती टैलेंट फ्लेम खेलने से गाइस यही होता है। अच्छा प्लेयर खेलेंगे तो वो अलग बात है कि लाइक मार के दिखाना वो सब करना, आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ कितने, ये वही बंदा है, ये मेरे उसमें आता है देखो 1100 है, देख रहे हो ये मेरे उसमें भी आता, मैंने कौन सा अभी डाला था रिसेंटली, एक मैच अभी तो डाला मैंने, किसके साथ डाला है जो भी डाला अभी एक से पहले वाले वीडियो में, उसमें भी था ये। और स्लो ब्रो का भी आ जाएगा, स्लो ब्रो का तो लाइक बना ही पड़ा, वो तो बस मेरे को शेड्यूल करना पड़ेगा। तो इसी के साथ सभी से गाइस मैं आगे रहता हूँ, ऑडियो टेक केयर, शब अगर जिन्होंने लाइक नहीं लाइक करता, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना गाइस, पीस आउट।